देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को ग्राम सेवक बताते हुए कई नई योजनाओं का ऐलान किया। आज सुबह पीएम ने सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वो सीधे लाल किले पर पहुंचे और तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हैं और पूरे देश को अगर आगे चल के बढ़ना है तो विकास बहुत ज़रूरी है। 150 करोड़ की अगर ये जनता 150 कदम आगे बढ़ाएगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। विश्व बदल चुका है और अब भारत सिर्फ और सिर्फ एक कोने में बैठकर अपने विकास के बारे में नहीं सोच सकता। दुनिया के साथ आगे चलना है तो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना होगा। और अब सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा देश को संबोधित कर रहे हैं। क्रिमिनल ट्रायल्स आर पेंडिंग व्हिच आर मोर देन 10 इयर्स ओल्ड। इट्स क्यूरियस एंड ट्रेजिक पैराडॉक्स दैट आवर प्रिजंस आर हाउस्ड मोर बाय अंडर ट्रायल प्रिजनर्स देन बाय कन्विक्ट्स। इफ द फिगर्स दैट हैज बीन गिवन बाय नेशनल क्राइम ब्यूरो इज करेक्ट, in almost all central prisons, more than 50% are under trial prisoners, and in district prisons, more than 72% are under trial prisoners. The process itself has become a punishment. As a head of the judiciary, I cannot feel more pained at that. The question is, who is at fault? Are the hands of judges that have contributed to this misery, or there are other forces they have led to this problem? Every one of you know, because most of us are concerned with the justice delivery system, that we have about 20,000 judges, right from the Chief Justice of India to the lowest cadre of, say, Munsif Magistrate. Of them, more than 19,000 are appointed by the state governments because they relate to subordinate. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 68वें पावन पर्व पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि आपके बीच प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश और दुनिया में फैले हुए सभी हिंदुस्तानी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इस आज़ादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के विकास में सभी पूर्व सरकारों और पूर्व प्रधानमंत्रियों का अहम योगदान है और मैं उनके कार्यों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, इस देश की सभी सरकारों का योगदान है, इस देश के सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है। मैं वर्तमान भारत की उस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करने वाले सभी पूर्व सरकारों को, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उनके सभी कामों को जिसने कारण राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, उन सब के प्रति इस पल आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं, मैं आभार की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। वहीं मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए विपक्ष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। सभी दलों का साथ लेकर के, विपक्ष को जोड़ करके, कंधे से कंधा मिलाकर चलने में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है और उसका यश सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं जाता है, उसका यश सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं जाता है, उसका यश प्रतिपक्ष को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी सांसदों को भी जाता है। वहीं आज देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा, मैं मेरा और मुझे जैसी भावना को छोड़कर राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए आगे आना होगा। हमारे राष्ट्रीय चरित्र को हमने निखारना है, मेरा क्या मुझे क्या, उससे ऊपर उठ करके देश हित के हर काम के लिए मैं आया हूं, मैं आगे हूं, ये भाव हमें जगाना। वहीं देश भर में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी बातें सुनकर बहुत पीड़ा होती है। बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई ना कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हां मां बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। भाइयों बहनों, कानून अपना काम करेगा, कठोरता से करेगा, लेकिन समाज के नाते भी, हर मां बाप के नाते हमारा दायित्व। वहीं लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों को भारत की आन बान और शान बताया। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है, हम इसको स्वीकार करें और उसे भी कंधे से कंधा मिला करके हम साथ लेके चले तो जो समाज जीवन में बुराई आई है उन बुराइयों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक सामाजिक चरित्र के नाते, एक राष्ट्रीय चरित्र के नाते हमें उस दिशा में जाना है।
वहीं मोदी ने स्किल डेवलपमेंट के अपने चुनावी वादे को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने विदेशी उत्पादकों और उद्योगपतियों को भारत में आमंत्रित करते हुए कहा कि आइए भारत में निर्माण कीजिए, हमारे पास टैलेंट है, अनुशासन है, हम विश्व को आमंत्रित करना चाहते हैं, कम मेक इन इंडिया। मैं उद्योग क्षेत्र छात्रों से कहता हूं कि हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया। मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि दुनिया भर के उद्योगपति जहां चाहें अपना सामान बेचें, लेकिन हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि भारत आएं और सामान का निर्माण यहां पे करें। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व बदल चुका है। अब भारत अलग थलग अकेला या एक कोने में बैठकर अपना भविष्य तय नहीं कर सकता। विश्व की आर्थिक व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं और इसलिए हम लोगों को भी उसी रूप में सोचना होगा। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सम मरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में, आइए। मैं निमंत्रण देता हूं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।